हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत। तो हमारे आ चुके हैं पटना जेपी पथ, जो कि गायघाट पे जो नया आपको लेन चालू हो रहा है, टू लेन का। मतलब यहाँ तो है फोर लेन का, लेकिन अभी यही रूट चालू होगा और उस साइड वाला चालू नहीं होगा, क्योंकि उस साइड के जो रास्ता है यूज किया जाएगा दीदारगंज तक आगे बढ़ाने के लिए। तो इस साइड से ही अभी गाड़ियाँ पार होंगी और दीघा से गायघाट तक की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। अब आपको अशोक राजपथ के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। दीघा से गायघाट तक की टोटल दूरी 12.5 किलोमीटर है, जो कि लगभग 500 करोड़ के बजट के साथ मरीन ड्राइव का जो ये रास्ता है पूरा बनने को ये बजट पास हुआ। इस रास्ते के बन जाने के बाद अब दीघा से गायघाट तक अब मात्र 10 मिनट में पार हो सकते हैं। मतलब अब आपको कहीं जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। तो अभी आपसे बात करते करते हम आ चुके हैं गांधी सेतु। जी हाँ, देख सकते हैं पीछे में ये गांधी सेतु है, और इस तरह से देखिए उस साइड में गंगा है और इस साइड में गांधी सेतु है। जितने भी ओवर ब्रिज है सब में आपको ये एक्सपेंशन ज्वाइंट देखने को मिलेगा। ये ज्वाइंट इसलिए होता है क्योंकि मौसम के अनुसार कभी ये सिकुड़ता है, कभी ये फैलता है, जिसके कारण इसके ब्रिज पे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए ये दिया हुआ रहता है। जैसे कि आप रेलवे के पटरियों में देखे होंगे, दो रेलवे पटरियों के बीच में गैप होता है, इसीलिए ताकि ये कोई प्रभाव न, मतलब मौसम की मार आती जाती रहे, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पुल को टूटने से बचाती है, यही इसका काम होता है। ये पिलर नंबर है 47 और ये पिलर नंबर है 46। तो दोस्तों, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी का टाइम कम से कम 10 के करीब में हुआ होगा, 10 रात के 10 बज रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए स्पेशल आया हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे सब्सक्राइब किए हुए, वो तो जानते ही। देख सकते हैं मैं गांधी सेतु से आगे की ओर आ चुका हूँ, और उस साइड देख सकते हैं काम इस तरह से पड़ा हुआ है। तो ये दूसरा लेन है ना, चालू नहीं होगा, ये दूसरा लेन रहेगा, इसको यूज किया जाएगा। जो भी मटेरियल है, मजदूर लोग हैं, जो भी सामान वगैरह है इस पुल के निर्माण में, उसके आवागमन के लिए इसको यूज किया जाएगा। और इसे सिर्फ यूज किया जाएगा आपको दीघा से आप गायघाट तक के आने जाने के लिए, दीघा से दीदारगंज तक। जब यहाँ से जब ये रास्ता पूरा तरह से बन जाएगा, तो उसके बाद आपको ये दूसरा वाला लेन भी शुरू कर दिया जाएगा पूरा से निर्माण करके। तो देख सकते हैं पेंट वेंट का काम हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लाइट वगैरह है लगा हुआ, और स्ट्रीट लाइट का तो काम तो लगभग ख़त्म ही हो गया, अब इसको पेंट वेंट करना रह गया है। अब जब पेंट हो जाएगा ना, वो क्या कहते हैं, पीला और काला दोनों कलर से पेंट होके एकदम आगे तो तक भी चला जाएगा, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब देख सकते हैं दोनों साइड से तिरंगा कलर का जो है स्ट्रीट लाइट, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये रहा गांधी सेतु, उधर रहा गायघाट, और इस साइड से पार होके वो गंगा का पार करके आप जा सकते हैं हाजी। मैंने सोचा कि इस तरह से आपको दिखा दूं कि गंगा का जो ये ब्रिज है, उद्घाटन होने से पहले अभी तक क्या तैयारी हो चुकी है, और रात में आपको कैसा दिखता है। और भी लोग दिखा ही रहे हैं, सोचा मैं भी आपको दिखा दूं अगर यहाँ तक मैं आ चुका। किनारे में फुटपाथ बन ही चुका है, जो कि पैदल आने जाने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी सुलभ रहेगा, जो लोग आने जाने के लिए मतलब ये रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों बन रहा है, आपको फेज टू का ये काम समाप्त हुआ, मतलब 15 अगस्त तक इसका उद्घाटन हो जाना है, ऐसा सुनने में आ रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा, सब समय पर रहा तो। क्योंकि फेज वन का जो काम था दीघा से PMCH तक था, अब PMCH से गायघाट तक का फेज टू काम समाप्त हुआ, अब फेज थ्री गायघाट से आपको दीदारगंज तक जाएगा। तो हमारी ये कोशिश कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये है गांधी सेतु पुल, आउट साइड में है गांधी सेतु न्यू पैरेलल ब्रिज, तो ये भी है। अब इसको भी इसमें भी काम शुरू हो चुका है, अब धीरे धीरे इसको भी बनना शुरू हो चुका है। अब ये बनेगा तो यहाँ से सीधा जो है ना उस साइड में उतरेगा, और वहाँ भी पिलर वगैरह बन रहा है नदी में आगे की ओर। तो मैं उस साइड टपूंगा नहीं, इसके बॉर्डर को उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं लड़का क्या कर रहा है। अगर मैं उस साइड जाऊंगा तो उनको लगेगा कि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए,
क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पे अभी भी इसकी देख रेख कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा दिक्कत ना। तो वीडियो थोड़ा सेक हो रहा है, उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और काम करने के लिए ये मोबाइल यूज करता हूँ, और वो अलग मोबाइल है जिसमें थोड़ा सा जो है ना स्टेबलाइजेशन है, तो उसको यूज करता हूँ। तो ये हो गया लेन जो शुरू होगा, अब ओला लेन अभी शुरू नहीं होगा, मैंने बता ही दिया। और ये है पैदल आने जाने के लिए, और ये है कनेक्टिविटी जो कि आपको गायघाट नीचे उतर जाएगा, और उधर है गायघाट मार्केट, और वो रहा गांधी सेतु पुल, उसके ऊपर ऊपर एक और गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज, उसके उस साइड में बन रहा है जो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। फिलहाल इतना जो दिखा दिए, अब यहाँ से हम निकलते हैं, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये रहा अब ये गायघाट मार्केट उतरने का रास्ता, तो फिलहाल मैं जा रहा। तो हम जेपी गंगा पाथवे का जो कनेक्टिविटी है वहाँ से उतर के आ चुके हैं, और ये जो टनल बन गया है ये पक्का रास्ता है, ठीक है, ये ढलाई रोड है। अभी यहाँ पे ट्रक का आना जाना के कारण जो बगल के आसपास की जो मिट्टियाँ हैं वो मिट्टी यहाँ पे लग चुकी है, एक किनारे किनारे उनका जो ये जो रास्ता बना है उसका साइड वॉल का काम हो रहा है, और किनारे किनारे ये नाला भी ये बना दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, और यह ढलाई के लिए साँचा लगाया गया है ताकि ढाल कर इसको वैसा बनाया जाए जैसे उस साइड में है। चलिए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो इस तरह से यह आकार ले लेता है।